क्यों कहाँ नो सर। गया को सब ठीक है? पता नहीं सर। अच्छा पता नहीं। अच्छा क्या पढ़ा रहे थे हम? लास्ट टाइम तो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे। अच्छा क्वेश्चंस कर रहे थे ना, कहाँ तक कर यस लिए सर। थे? तो गेलो सेक्स लॉ तक हो गया था। हो गया था। अच्छा वो वाला क्वेश्चंस का पी बी इक्वल टू एन आर टी पे कौन यस सर। पहले आएगा, कौन ज्यादा वो मतलब एक वो कंटे बल्ब वाला, टू बल्ब प्रॉब्लम वाला कर लिया था। यस सर हो गया था। अच्छा चलो तो कुछ और क्वेश्चंस लिखते हैं बढ़िया से, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे लिए प्रकट किए जाएं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन लिखना। यार यहां से वो कहाँ चला गया पेन लिखने वाला? अरे यार पेन नहीं है, एक मिनट रुकना बच्चा। एक मिनट रुकना, होल्ड करना। हाँ जी चल लिखो क्वेश्चन। एक अच्छा एक बताओ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़े हो तुम लोग? क्या होता है बोलो? सर जितना ज्यादा मोलर मास होता है उतना ही कम रेट होता है डिफ्यूजन का। ठीक है, डिफ्यूजन इफ्यूजन बात एक ही है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं कुछ भी, है ना? चलो पता है तुम लोगों को, एक क्वेश्चन लिखो फिर इसी बात पे। रिलेशन तो पता ही होगा। आर वन अपॉन आर टू, पी वन अपॉन पी टू, अंडर रूट ऑफ एम टू अपॉन एम वन, यही होता है। यस सर। या एक और आपने रिलेशन पढ़ा होगा, पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू एक्स वन अपॉन एक्स टू। चलो एक क्वेश्चन देखो आसान सा। पहले ये भी तुमने पढ़ा है ठीक है। अच्छा लिखो क्वेश्चन एक।
कंटेनर कंटेन्स हीलियम एंड CH4 इन 2:1 मोल रेशियो। कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर डिफ्यूजेस आउट इनिशियली। फोर इस टू वन और कोई करके जल्दी के दिखाओ। वेरी गुड। हो गया क्वेश्चन? हो गया ये? हो गया क्वेश्चन? ये देखो बहुत आसान है, ये तो कुछ है ही नहीं है। रेट ऑफ हीलियम लिखा लो, रेट ऑफ CH4। आपको बस एक ही गलती मत कर देते हैं यहाँ पे बच्चे, M1 अपॉन M2 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन और क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो? क्योंकि यहाँ पे आप रूट कंसीडर, आपने जो एक रिलेशन पढ़ा होगा P1 R1 अपॉन R2, जब प्रेशर को आप कांस्टेंट नहीं लेते हैं तो आपका P1 अपॉन P2 इंटू √M2 अपॉन M1 आता है। यस सर और आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू X1 अपॉन X2। तो बस अब सॉल्व कर लो, √ यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ मीथेन अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व हो जाएगा बोलो। एक क्वेश्चन और लिखो बढ़िया सा। इफ 20 ग्राम ऑफ हीलियम डिफ्यूजेस थ्रू अ होल इन 10 सेकेंड, देन कैलकुलेट मास ऑफ SO2 गैस डिफ्यूज टू सेम मोल इन 15 सेकेंड। सेम मोल है, सेम होल है। ठीक सॉरी, सेम मोल है, सही है।
क्या होगा? बोलो किसना? हो गया? कौन सी 1 ग्राम? 20 ग्राम? क्यों आ रहा? क्यों? सर रेट निकाल लिया, फिर रेट है ऑक्सीजन का रेट है और उनका रेशियो निकाल लिया, और ऑक्सीजन का रेट दे रखा तो सल्फर का रेट, सल्फर डाइऑक्साइड का रेट आ जाएगा, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, आंसर क्या होगा? इसका 120 ग्राम आ रहा वेट। एक बार ट्राई करो। मूल्स कितने आ रहे हैं? सब मोल तो सेम ही दिया तो कट जाएंगे रेशियो में। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ दिया हुआ है यहाँ पे। सेम होल से करना है इसको, सेम होल से। ओके सर। देखो, तीन फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं, मैं तुम्हें एक बार फॉर्मूले याद दिला देता हूँ। रेट ऑफ डिफ्यूजन के यदि तीन फॉर्मूले तुमने पढ़े हो, देखो यहाँ पे पहला होता है वॉल्यूम डिफरेंस पर यूनिट टाइम। पढ़ा है ये फॉर्मूला? यस सर। क्या था? डीवी बाई डी टी? ये तुम फिजिक्स का बता रहे हो क्या? नहीं सर, वो वही आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाँ, डिफरेंट। वॉल्यूम डिफ्यूज। बिल्कुल, वो तो बात सही है, वॉल्यूम डिफ्यूज आएगा। डिवाइड बाई तुम्हारा टाइम टेकिंग आ जाएगा, ठीक है? और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी बाई टी हो गया। तो यहाँ पे आप निकाल सकते थे आर इक्वल टू कैसे आता था, अंडर रूट ऑफ m2 अपॉन m1।
रेट ऑफ डिफ्यूजन तो यही होता है। आप इसको कैसे निकालोगे, वॉल्यूम वन खड़े हो गए इस तरीके से, एम वन के बराबर। ऐसे ही आपका डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट एरिया होता है डिस्टेंस के टर्म्स में। तो डिस्टेंस के टर्म्स में क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ सिंपल, आर इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये आएगा आपका डी वन अपॉन टी वन अपॉन डी टू अपॉन टी टू, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एम टू अपॉन एम वन। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम यहां पे, मोल्स डिफ्यूज पर यूनिट टाइम। तो क्या हो जाएगा यहां पे बोलो, ये किसमें क्या आता है, एन वन अपॉन टी वन अपॉन एन टू अपॉन टी टू इक्वल टू क्या हो जाए, अंडर रूट ऑफ एम टू अपॉन एम वन। देखा होगा ही है ना। अब देख लो सर क्वेश्चन, इसी से सॉल्व हो जाएगा इस वाले फॉर्मूला से, वो करो सॉल्व। यदि यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितने दिए गए, बाई 5 फोर इक्वल टू फाइव आ गया, वेरी गुड। रेट निकालो, रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना आएगा, ये 64 हो जाएगा, और मोलर मास का कितना है, फोर, यस सर कितना हो जाएगा, ये फोर आ जाएगा है ना, 16, 16 का रूट 4। अब बस कर दो, तुम्हें पता है कितने, देखो 5 मोल उसके आ रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है उसको, 10 सेकेंड। यहाँ पे मोल्स निकालने हैं कितना टाइम लग रहा, 15 सेकेंड। बोलो, यस सर तो आप सॉल्व निकालो, एन की वैल्यू कितनी आएगी यहां से बताओ, कितनी आएगी फिफ्टीन एन बाई की वैल्यू, एट 15/8। हो तो गया सॉल्व बेटा, वेट कितना हो जाएगा, 15/8 किसका चाहिए, SO2 का चाहिए, कितना होता है इसका, मोलर मास से तो मल्टीप्लाई करोगे, सही तो आ रहा है। ये से मेरा भी आ गया था। क्लियर ये बात, आगे बढ़े। चलो यस एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ 50 ml ऑफ H2 डिफ्यूजेस थ्रू अ होल इन 20 सेकेंड, देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस डिफ्यूज थ्रू द सेम होल इन 30 सेकेंड।
18.75 ml। देख लो तो कितना आ रहा है, 18.11 कितना आ रहा है। वैसे इतनी आ रहा है। नहीं आ रहा है। कैसे किया? रेट यार वेरी रेट का रेशियो निकाल लिया। गुड। पहले तो कितना हो जाएगा? यही आएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? बी बाई वॉल्यूम चाहिए 30 सेकेंड में, कितना हो जाएगा? बा 4 के बराबर। निकाल दो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू। वैसे हमने यहाँ पे मोल इक्वल माने ना, हाँ अच्छा दी, एक बात आना, अमोनिया रेट ऑफ डिफ्यूजन तेज करेगी एस सी एल, कौन फास्ट भागेगा ज्यादा? HCl। HCl अमोनिया। अमोनिया भागेगा क्यों? मोलर मोलर मास। मास। वेरी गुड, जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतनी जल्दी वो तेज भागेगा। सब अमोनिया में तो कम मोलर हाइड्रोजन मास बॉन्डिंग होगा। होती है। बेटा मैं गैस की बात करूं, फ्यूम्स की, मैं लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं, समझ गए? यस सर। चलो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा। चलो वो क्वेश्चन नहीं करा रहा, पहले सोच रहा था एक क्वेश्चन कराऊं। एस सी एल और अमोनिया आ रहा है, एक तरफ से एस सी एल पास हो रहा है, एक तरफ से अमोनिया इसके बाद से कौन सा चैप्टर करोगे? है। इसके बाद कौन सा चैप्टर बताओ, करा करोगे? देखो, कराता हूँ, कौन सा कराता हूँ तो मुझे भी नहीं पता क्या आ जाए। क्वेश्चन लिखो इसके बाद एक बढ़िया सा। ऑर्गेनिक तो है ही तुम लोगों की रिवाइज अच्छे से, वो तो करने की जरूरत है नहीं, कि जीओ सी ओ सी करा दें। फिजिकल कर लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कर लेते हैं पहले, बहुत दिन हो थर्मो गए। करा दें। चलो यस हो, करा देते हैं तुम्हारी थर्मोडायनेमिक्स भी। अच्छा एक बात आओ, ये बात हमने एक सिंपल सी एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। चार गैसेस हैं, हैव कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ए बी अरेंज और दूसरा लिखो, तो पहला करना है आपको, दूसरा है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। करो इसको दोनों को, 1 मिनट में आया मैं, करो। ये क्या हो गया, पलट कैसे गया ये? अरे यार ये इसको क्या हो जाता है ऑटोमेटिक? 1 मिनट रुकना, चला गया वो क्वेश्चन तुम लोगों से? यस सर। हाँ 1 मिनट हो गया, क्या लफड़ा हो गया ये?
नोटेशंस भी चली गई यार। बड़ी समस्या है तुम्हारे साथ। नहीं हुई ये? अच्छा आ गई, नोटेशंस आ गई। प्रेजेंटिंग तो चली गई होगी सब। और सब प्रेजेंट हो रही है, क्वेश्चन ये प्रेजेंट क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं दिख अच्छा रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, एक मिनट रुको, नोटेशंस ही नहीं आ रही इसमें मेरे में तो। यार स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग चल ही रहा है। एक मिनट को दोबारा से पीपीटी बनाता हूँ मैं, ठीक है? इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, स्टॉप रिप्रेजेंटिंग भी नहीं आ रहा। मैं दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ, एक मिनट रुकना बच्चा। लीव कॉल भी नहीं हो रहा। दिख गया अब उसको जल्दी सर। पहले का आ जाएगा सबसे ज्यादा डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी। हाँ जी हो गया, यस सर। क्या किया बताओ? अच्छा सर पहले में आ जाएगा सबसे ज्यादा डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी। डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी। वेरी गुड। दूसरा सर अट्रैक्टिव फोर्स में सबसे ज्यादा होगा सी का, फिर बी का, अच्छा फिर ए का, फिर डी का। ए का, फिर डी का ठीक है। ये तो बात सही। देखो यहाँ पे आप क्या किया करो, यहाँ पे आप डेविएशन देख लिया करो। एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप डेविएशन से सॉल्व कर सकते हैं। जितना ज्यादा डेविएशन होगा, सर उसी डेविएशन से जो क्या? होता है, हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एच जेड माइनस वन, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? ये क्या हो रहा है? देखो जेड माइनस वन निकालो सबका, इसका कितना होगा? 0.6, इसका 0.8, इसका 0.4, इसका 0.8,
तो बताओ किसका डेविएशन सबसे ज्यादा है, बोलो। बोलते नहीं हो यार तुम लोग। का यार कुछ गड़बड़ हो गया यार, ये 0.2 होगा यस सर, 0.2 होगा। तो किसका हुआ, डी, फिर उससे कम, बोलो। ए, फिर उससे कम, सी, फिर उससे कम, बी, ये हो जाएगा। अच्छा इसमें रिपल्सिव फोर्स है उसका कितना आएगा बताओ, फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स का। रिपल्सिव कब होता है, जब पीवी इज ग्रेटर देन, पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी होता है, जेड इज ग्रेटर देन वन। तो जेड इज ग्रेटर देन वन किस केस में सबसे ज्यादा पहले बताओ, या अट्रैक्टिव कब होगा, जेड जेड इज लेस देन वन, जेड इज लेस देन कहाँ कहाँ है, इन दोनों ही केस में है। तो आप देखोगे तो सी सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे कम बी, फिर क्या होगा, ए, और फिर ये अट्रैक्टिव फोर्स का हो जाएगा, उल्टा किसका हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, बोलो भाई, हाँ या ना। यस सर, मैंने यस इसे सर। ग्राफ अच्छा में प्लॉट कर लिए थे तुमने, सर। इनमें से 1 माइनस कर देंगे तो BC में नेगेटिव आएगा, तो वन नीचे होंगे, और Z इज इक्वल टू 1 आइडियल होता है, तो BC में बिल्कुल, अट्रैक्टिव है और AD में रिपल्सिव है, वेरी गुड। तो वहां से कर लिया। अच्छा एक बात आना, तुमने बी की वैल्यू सुनी होगी, वन डबल इक्वेशन में बी आता है, सुने यस हो, सर, बी आता है कांस्टेंट, उस पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो आपको पहला दे दिया फ्लोरीन और क्लोरीन, किसमें बी की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना ज्यादा साइज होगा मॉलिक्यूल का उतनी ज्यादा वैल्यू ऑफ बी होती है, क्लोरीन। वेरी गुड, ये तुम कर लो। दूसरा बताओ, जैसे मान लो मैं ये दे दिया आपको, यहां पे क्या होगा, से किसका ऑर्डर बताना है सब, ब्यूटेन है, ब्यूटेन का ज्यादा होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होती है ना, ये तो ब्यूटेन की वैसे वॉल्यूम ज्यादा जाएगी, तो भी ज्यादा हो। चलो क्लियर यहां तक, तो एक्स किसका होगा, जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतनी कम बी की वैल्यू, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये बी की वैल्यू का ऑर्डर हो जाएगा। ओहो, तो यहां तक तुमने कर लिया है ना। अच्छा एक बात आने, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तुम इक्वेशन लिखना, राइट वंडरवॉल इक्वेशन फॉर 10 मोल ऑफ H2 गैस। डन सर, वेरी गुड, क्या लिखी बताओ। P²+100A/P²(V-10B=10RT) वेरी गुड,
यही लिखी होगी सबने, क्यों? ये लिखी होगी जो कि गलत है। यदि आपको पता हो फॉर हाइड्रोजन ये लिख लेना, और हीलियम के लिए जो ए की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, समझ गए? तो पी क्या लेते हो आप, तो ये इक्वेशन सही है आपकी। बोलो सर फिर तो सारे नोबल गैसेस के लिए जीरो होती होगी, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती होगी उनमें। उनमें होता है, लेकिन दोनों के लिए, सिर्फ फॉर हाइड्रोजन हीलियम के लिए एक ही वैल्यू जीरो, ओके सर, सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम के लिए। तो ये बात ध्यान रखना। हाँ, आपने एक एंगल ऑफ डिप वाला सुना होगा, डिप जितना ज्यादा होता है, लिक्विफिकेशन जानते हो? अच्छा ये तो गैस को, आइडियल गैस को, हम आइडियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं कभी? नो सर, नहीं, क्यों? सर उसमें अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है तो मॉलिक्यूल पास कैसे आएंगे? वेरी गुड। तो मतलब हम आइडियल गैस को कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, बोलो, लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। ये भी लिख लो जिससे तुम्हें याद रहे, तो पता चले तुम वही लिख लो हमेशा जिससे तुम्हारा। हो गया, हो गया तो आसान है। यस सर, चलो इसके लिए तो डायरेक्ट ही लिखना है, जैसे तुमने वो लिखी थी, बिल्कुल डायरेक्ट लिख लो इसको लिए। तो मुझे ही लगता है इसमें मैंने सभी कुछ वैसे करा दिया है ना, सारा कुछ मैंने रिवाइज पूरा न्यूमेरिकल के थ्रू करा दिया है। मैं सोच रहा हूँ अभी कितना टाइम बचा है अपने पास, बोलना कितना है टाइम फोर्टी फाइव अभी मिनट्स है। अच्छा चलो, एक एक बात आना, CSCL में जैसे क्वेश्चन लिखना, CSCL में था ना, उसका वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? इसमें CSCl, सीजियम क्लोराइड कटायन एनायन का, एट रेशियो 8 सॉलिड होता है। वेरी गुड।
ये क्वेश्चन लिखना, जैसे मैं रुको एक मिनट रुको। अच्छा ये बताना, 18 ml ऑफ वाटर में कितने मोल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे H2 के? 10 मोल। वेरी गुड, 10 मोल होंगे, मतलब 10 × n हो जाएंगे। अच्छा मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से कराई दिया था तुम्हें पूरा? यस सर। थर्मो तो मैं सोचो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊं, ठीक है? पूरे अच्छे से प्रैक्टिस थर्मो की भी करा देता हूँ नेक्स्ट वीक में। शायद मेरी क्लासेस ज़्यादा हैं तुम्हारे में। फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो गया? अभी सर थोड़ा सा नहीं रहता हुआ। है, सेमी कंडक्टर और एक लेक्चर रह गया कम्युनिकेशन में। अच्छा कम्युनिकेशन भी पढ़ा है वो तो बोर्ड में है आई थिंक। सर मेंस में भी आता है। अच्छा नहीं, चलो एक क्वेश्चन लिखना, मैं आसान सा दे रहा हूँ अभी। एक सॉल्यूशन का रिवीजन कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है? जल्दी से। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसोसिएटेड 1 kg ऑफ वाटर। इन्हें सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर विल, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल? बॉयल प्रेशर ले लेना इसके, बन बार ले लेना, या 1.0 बन बार ले लेना। केवी फॉर वाटर कितना होता है बोलो? ये याद कर लो कुछ वैल्यूज तो आप, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। करो हंड्रेड पॉइंट जीरो फाइव टू 100.00 जीरो फाइव टू वेरी गुड। यस सर। केल्विन में कितना आएगा? 273.052 केल्विन। नहीं फिर कुछ गलत आ रहा है यार। 100 पॉइंट तुम ऐड करोगे ना उसमें पूरा? चेंज तो सेम ही रहता है डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में। हाँ तो पूरा ऐड करोगे ना, 273 में 100 ऐड नहीं करोगे? फाइव जैसा 373.5052। टू ये करोगे ना। जी बता ना, 1 मोलर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा या 1 मोलल?
बताओ, ये तो बताना नहीं है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी इंटू एम। यस सर। कैलकुलेट तो 84% है। अच्छा करो। फोर्टी सिक्स पॉइंट थ्री फोर टू। वेरी गुड। देखो ध्यान समझना, ये तो आसान क्वेश्चन है। डेल्टा टी वी इक्वल टू क्या होता है? बोलो। आई इंटू के वी इंटू मोलैलिटी तो क्या हो जाए? मोलैलिटी तो जानते ही हो, निकाल लोगे मोलैलिटी, अल्फा निकाल लोगे यहाँ से। अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? पॉइंट एट इसके फोर वेरी गुड, 1 माइनस आई या 1 माइनस 1 बाई एन लिख देना, आपका अल्फा निकल के आ जाएगा। निकाल लोगे आप, 0.84 दिया हुआ है, आप आई की वैल्यू निकाल लो।
डेल्टा टी में डाल दो, क्योंकि आपको आई यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते ना, नेगलेक्ट वांट ऑफ फैक्टर को, वांट ऑफ फैक्टर को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, इस बात को ध्यान रख लेना। तो कर लोगे बताओ सभी लोग, बताओ भैया। यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सर, लिखो। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ NaCl। अच्छा 100% रिजोल्यूशन मानना है। 100% माने तब तो आंसर सीधी सीधा आ जाएगा। आई की वैल्यू दे दी ना तुम्हें, आई कहाँ दी, आई निकालना है, सॉरी 1.2% ऑफ एन। जैसे वो NaCl का अल्फा 100 मानना है ना, वन हाँ उसको सॉरी तो 100 100 बन ही मान के चलो, सब बन मान के चलोगे। NaCl का बन क्यों मानोगे तुम, ये 100% अल्फा अल्फा तो अल्फा NaCl का बन क्यों मानोगे? अल्फा वन होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर टू आ जाएगा ना। तो डायरेक्ट ही 2 आ रहा, फिर तो आंसर ही खत्म हो गया। NaCl का निकालना मेरे को लगा। ठीक है सर, ठीक है। वन पॉइंट नाइन थ्री 1.93, ठीक है, सही है। हो जाएगा, बराबर कर दो दोनों के, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना दो और ग्लूकोज को, तो क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज, तो I C1RT, I2 सॉरी I2 ये तो 100%, इसका तो बन ही रहता है हमेशा पॉइंट ऑफ फैक्टर, C2R2 निकाल दो, आ जाएगा आंसर। कर लोगे? अरे बोलते नहीं, सब चुप्पैया साधे रहते, सबके सब, यस सर।
एक क्वेश्चन लिखो इसी बात पे और अच्छा था। क्या है ये? एंड सुक्रोज सॉल्यूशन विद जीरो पॉइंट वन मोलर कंसंट्रेशन इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ के आई इज एंड सुक्रोज सॉल्यूशन इज 0.8 atm एंड 0.245 atm रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ के आई एंड इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर टेम्परेचर मेंशन नहीं है। टेम्परेचर मेंशन नहीं है। सब 1.86 और 86% वेंट ऑफ फैक्टर 1.86 और अल्फा 86%। 86%। तुमने परसेंट वो ले लिया क्या? अप्रोक्सीमेशन ज्यादा ले लिया क्या? ज़्यादा नहीं सर, 49 का 50 लिखा है। यहाँ पे जो आंसर आ रहा परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन का वो 89% आ रहा, 0.7। किसना? वेंट फैक्टर कितना है? 1.9। वन टॉप फैक्टर आपका आई की वैल्यू कितनी आ रही है? आई की वैल्यू आ रही है 1.9 ही आ रही है। हाँ 1.897। किसना किसना? डन सर। ओके चला गया क्या ये? पाई इक्वल टू आईसीआरटी होता है। लगा दोगे यहां से निकाल लोगे? ठीक है फिर पाई इक्वल टू एक सीआरटी से निकाल लो। निकाल लोगे? डिवाइड कर देना फर्स्ट और सेकंड को। कर दोगे डिवाइड? वन टॉप फैक्टर निकल आएगा। अल्फा क्या होगा? निकाल देना अल्फा। एक क्वेश्चन वाले को
ये आपका आईआईटी 2004 में आया था क्वेश्चन। अल्फा कितना इसमें अल्फा आ रहा है बेटा रहा 89.7, है इसमें? 0.897, ओके सर, 1.22 ग्राम बेंजोइक एसिड। टू सॉल्वेंट, ठीक है, और आपको डेल्टा टीबी और टीबी गिवेन, केबी गिवेन होगा। जैसे पहला डाल दिया एन, 100 ग्राम एसीटोन में, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है, 0.17 दिया हुआ है, और केबी कितना है, 1.7 किलोग्राम केल्विन पर मोल। बी, इन 100 ग्राम बेंजीन है, इसमें डेल्टा टी बी दिया हुआ है 0.13, के बी है 2.6 किलोग्राम केल्विन पर मोल। अब निकालना, फाइंड आउट था मॉलिकुलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बोथ केसेस। सर आंसर क्या है? 122 to 44। वेरी गुड, यस सर, डन। सही है। करना है क्या मुझे? सिंपल है, आपको मोलरिटी निकालना है, वेट दिया गया है, मॉलिकुलर वेट निकालना है, निकाल लोगे? फिर मॉलिक्यूलर वेट तो फिक्स रहता है, इसमें चेंज कैसे होगा? अरे यार, अप्रोक्सीमेट इंटरप्रेट करना है, वैसी बात तो फिक्स रहता है, लेकिन वो पूछ रहा है, पूछ तो सकता है ना वो, समझ रहे हो, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, फिक्स तो रहता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना। अब आपको जब वो ऑप्शन देगा चार, तो आसपास ऑप्शन देगा, समझ रहे हो, बहुत आसपास, बहुत आसपास। चलो मैं ये यहाँ कह से रहा हूँ कि थोड़ी, एक कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूलर वेट कैसे होगा? कैसे, एक में उसने क्या किया? अच्छा, एक में 100 ग्राम, सो ऑब्जर्व
क्योंकि एसोसिएशन होगा ना, और बेंजोइक एसिड का डबल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा ना सिंपल, क्योंकि वो दिमाग डाइमर के फॉर्म में बन जाएगा बेंजोइक एसिड ट्रिप्टोमर। बेंजीन में वो एसोसिएशन कर ले, एसोसिएट कर लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कर लोगे? मैं कर दूं, कर देता हूं, बता कॉन्सेप्ट बता देता हूं। तो पहले डेल्टा टी लगाना, तो केवी इनटू, आपको फॉर्मूला पता होगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, वैसे तो मैं मोलिटी लिखता हूं, इनटू 1000 डिवाइड बाई, बस सॉल्व कर लेना यहाँ से, एम बी निकाल लेना, सब कुछ गिवेन है तुम्हें। कैसी सेम चीज दूसरे में करना है, बी वाले में जब बेंजीन करोगे, 100 ग्राम बेंजीन में करोगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, एक्स ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड जिसका मोलर मास दिया हुआ है आपको, मोलर मास कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको सिंपल 200, ठीक है, और डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वन लीटर ऑफ 0.05 मोलर NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन टू फाउंड टू बी 4.92 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, मान लेना एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है NaCl का, और ये जो सॉल्यूशन बिहेवियर कर रहा है वो यानी आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल बिहेवियर कर रहा है। कितना आ रहा है ये, क्या बता रहे हो तुम, किसका बता रहे हो? एक्स की वैल्यू बता रहा हूँ। एक्स की वैल्यू तुम्हारी आ गई, कितनी आ रही है एक्स की, 20? 20 तो नहीं आ रही यार, एक्स आ, हाँ 20 ग्राम सही है। ओके, ऐड कर दिया होगा, पाई इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2, वेरी गुड। और सुनाओ कैसे, क्या पढ़ाई चल रही है तुम लोग, कितने घंटे पढ़ रहे हो तुम लोग? प्रियांशु कितने घंटे पढ़ लेते हो? टाइम नहीं देता। फिर भी समथिंग समथिंग हो रही है, 8-10 घंटे।
देर में हो जाता है। कुणाल कुणाल तुम्हारी सर 9-10 घंटे। अबूजर कितने यस सर घंटे पढ़ लेते हो? तो स्कूल आर्ट्स के अलावा कुछ और जो टाइम इंटरेस्ट अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? अरे कुणाल, क्या तुम वो आ गई डेट शीट डेट कुछ आई जेई की? कुछ अपडेट किया? नो सर कब तक कह रहे हैं? अनुमान है सर मिड मार्च तक कह रहे हैं मेरे को वो कितना अटेम्प्ट अटेम्प्ट कितना क्या होगा? सर। अगर 4 अटेम्प्ट होंगे तो फिर एडवांस पीछे हो जाएगा बहुत। मुझे ही लगता है इस बार 4 अटेम्प्ट देने वाले हैं, 3 या 2 3 या 2। सभी से बोर्ड्स भी हैं तो क्या पता एक पहले हो जाए और फिर 2 बोर्ड के बाद हो। बोर्ड कब कब हो रहे हैं एक्सपेक्टेड? सर बोर्ड ने सैंपल पेपर तो भेज दिए मतलब होंगे बोर्ड मार्च में होंगे मेरे ख्याल से बोर्ड भी। नहीं अभी तुम्हारा फर्स्ट वाला भी नहीं निकला, मतलब फर्स्ट वाली भी रिजल्ट नहीं है, उसका क्या है? ये सर उसका रिजल्ट भी नहीं आया तो सब एक साथ ही क्लब कर दिया। मतलब क्या कह रहे हैं वो लोग, साथ में ही आएगा सब? नहीं सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब मेन भी साथ में हो गया बोर्ड भी साथ में ही कर दिया। अरे कुछ नहीं, सब तो बेवकूफ बना रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा, पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है। अति होती है, कितना परेशान करेंगे। रिजल्ट तो दे दो भाई, इतने चेकिंग भी हो गई, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुए थे, वो भी नहीं कि सब्जेक्टिव हुए हों। सर वो तो सेम डे चेक हो गए होंगे शायद और शाम तक क्या? अपलोड करने थे उनको मार्क्स। अच्छा उसी दिन स्कूल वालों को ही करने थे? यस सर अच्छा आंसर की उन्होंने भेज दी थी स्कूल वालों को, सीधे मार्क्स ही अपलोड करने थे, बस कुछ नहीं करना था और। यस सर ऐसे कुछ था मतलब उनको शाम तक मार्क्स अपलोड कर लेते हैं इवेल्युएट तो करके। फिर तो सर काफी आंसर्स में करेक्शन भी थी तो उसके बाद इसीलिए शायद टाइम लग गया हो। पता नहीं क्या बन रहा है, सब बर्बाद करके रखा हुआ, पूरा सिस्टम ही बेकार कर दिया। क्या कर सकते हो तो? तो मेंस का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अरे सब पूरा चौपट कर दिया चौपट। मतलब जो होना चाहिए ना, अब जनवरी में हो जाता था जेई मेन्स, यदि 2 बार कराते थे तो ये जनवरी में करा लेते। लेकिन नहीं, जनवरी में तो नहीं कराएंगे, ये तो पता नहीं क्या कराने वाले हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पूरा बेकार करके रख दिया। कोई नहीं, और तुम बताओ क्या चल रहा है, और कोई खास खबर? चलो फिर क्वेश्चंस ही करते हैं, कोई खास खबर नहीं तो। करते हैं कुछ क्वेश्चन को और भैया, और कुछ क्वेश्चन को और भैया, और लिखो एक क्वेश्चन, ये तो हो जाएगा ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे एक क्वेश्चन यही लिख लो, क्या होगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, आसान सा है। फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर थ्री इंटू 10 to the power -3 kilogram ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड
इफ 23% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड व्हाट विल बी द डिप्रेशन एंड व्हाट विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केएफ एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आर वन पॉइंट एट सिक्स केल्विन किलो पर किलोग्राम पर मोल एंड 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। सर ऊपर वाले का आंसर क्या है? क्या है ऊपर वाले का आंसर? ऊपर वाले का आंसर आया था 20 के समथिंग आया था। आंसर क्या है इसमें? आंसर आ रहा है 0.229। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हुआ टेस्ट सीरीज का? फिर क्या हुआ कुणाल, पूछा था? फिजिक्स की क्लास नहीं हुई उसके बाद से। कल हुई तो थी। यस सर, भूल गया सर। एक टेस्ट सीरीज तो हो गई, उसमें आई थी टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन में एक दिखा रहा था। अच्छा, अभी तो वो टेस्ट हुआ, वो तो नॉर्मल टेस्ट था ना सर? टेस्ट सीरीज वाले पैनल में ही आ रहा था। अच्छा, तो मतलब अपलोड हो गई होगी, तो मतलब आने वाली होगी। नहीं सर, आके खत्म भी हो गई 1 तारीख को। हैं बताओ, 1 तारीख को खत्म भी हो गई वो तो। खत्म भी हो गई तो अभी और अपलोड हो जाएंगी वो, शायद बन गया, तैयारी हो गई उसकी सब। कल टेस्ट में क्या आएगा वैसे? मैंने कल क्या दिया यार, मुझे भी यार तुमने अच्छा पूछे और मुझे भी याद नहीं है मैंने क्या बनाया पेपर। पेपर मैंने क्या बनाया कल के टेस्ट में? पिछली बार में क्या दिया था मैंने? क्या क्या इस बार? शायद 12th की ऑर्गेनिक दी है। 12th की इनऑर्गेनिक दी है सर। लास्ट टाइम दी थी वो तो। 11th की दी थी नहीं सर, उसमें मेटलर्जी कोऑर्डिनेशन भी आया था। एक दो क्वेश्चन होंगे उसमें? नहीं सर, 5-6 थे। अच्छा, इस बार मैंने क्या डाले सर? शुरू के 3-4 तो मेटलर्जी के ही थे और लास्ट के भी 3-4 उसके थे कोऑर्डिनेशन के। अच्छा, मुझे यार मैं सिलेबस भूल गया, मुझे पूछना पड़ेगा क्या मैंने अपलोड करवा दिया। मुझे क्लिक नहीं कर रहा, तुमने अच्छा याद दिलाया, एक मिनट को सोचने दो क्या है। तुम्हारा शायद कल पेपर है तुम्हारा 12th का? टाइम टेबल में आया है? मुझे तो लगता तुम्हारा कल पेपर है शायद, क्योंकि लास्ट संडे। सर्कल फिजिक्स वाले सर कह रहे थे बस ऑल इंडिया वाले टेस्ट होंगे, ये वाले नहीं होंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कल मैंने बनाया नहीं। मुझे मैं कहूँगा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं बना दिया, मैंने क्या बनाया,
क्योंकि सिलेबस याद नहीं आ रहा ना, बनाता तो बहुत सारे पेपर बनाने पड़ते हैं, कभी कभी तो पूरी रात हो जाती है ऑफिस में यार, 2 दिन से तो सो ही नहीं पा रहा सही ढंग से, परसों भी पूरी नाइट लग गई, कल की भी हो गई कल और फिर आज भी, अब देखो क्या होता है। चलो तो यहां तक किसी कोई डाउट तो, देखो एक काम करना, नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट क्लास में क्या रिवाइज कराया, तो मैं पहले ही बताओ वही क्वेश्चंस लेके आए, बोलो क्या रिवाइज कराया। बताओ थर्मोडायनेमिक्स थर्मो, ठीक है थर्मो करा देते एक लेक्चर में, एक लेक्चर में थर्मो करा देते, एक दो लेक्चर में तुम्हारे इक्विलिब्रियम करा देते, एक में एक केमिकल और एक में आयनिक, फिर कोई चैप्टर हो तुम्हें लगता हो स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा अच्छे से कराई दिया। ओहो चलो फिर ठीक है, और किसी को कुछ पढ़ाई करो लेकिन मेहनत बढ़ाओ, जो लोग बाकी के देख रहे हैं ना जितना पढ़ सकते हो उतना कर लो, ज्यादा से ज्यादा कर लो, क्योंकि टाइमिंग आवर नहीं बढ़ाओगे लास्ट मोमेंट है, फसल पकी हुई है, जितनी मेहनत कर लोगे उतना बेनिफिट है तुम्हारे लिए। अच्छा नीट का इस बार क्या हो रहा है, कब तक दे रहे हैं कुछ एक्सपेक्टेशन कुछ? सर मार्च में कह रहे थे फॉर्म आ जाएगा। पक्का? यस सर कह तो यही रहे हैं। मार्च में कह रहे हैं वो लोग? यस सर। अच्छा यदि मार्च में कह रहे हैं तो मार्च में कैसे, चलो कोई नहीं आने दो। सर बोर्ड एग्जाम कह रहे थे अप्रैल तक होगा, तो फिर वो नहीं होगा, नीट नहीं होगा फिर, अभी कुछ बच्चों का हो गया ना नीट में सिलेक्शन तो बताते हैं वही लोग कि भाई अभी तो उन्हीं की अभी क्लासेस स्टार्ट हुई, काउंसलिंग नहीं हुई कुछ ऐसा ही सर, है शुरू हो गई सर, हो गई पहले कैंसिल कर, बीच में एक लिस्ट आई थी फिर वो कैंसिल कर दी, फिर अभी दोबारा लिस्ट भेजी है उन्होंने। सर अब तो एडमिशन स्टार्ट भी हो गए। कब से हो गया? अभी परसों तो लिस्ट कैंसिल हुई थी नर्सों, 2-3 दिन पहले सुना था, मेरे एक स्टूडेंट का हुआ था ना RML मिला था उसको दिल्ली में। सर मैंने एक का देखा था उसको VMMC मिला था। तो RML मिला एक बच्चे को, महाराष्ट्र का कॉलेज मिला एक बच्चे को, ऐसे 4-5 बच्चे थे सबको डिफरेंट डिफरेंट मिले। काउंसलिंग शुरू हो गई लेकिन इस बार का सेशन बहुत पीछे हो गया, बिल्कुल खिलवाड़ चल रहा बिल्कुल बच्चों के कैरियर के साथ। एक्चुअली देखो जो प्रॉब्लम हमें ये चीज समझ में नहीं आती, जेई में क्यों प्रॉब्लम नहीं आती, कोई जेई मेंस हो जाता है कितने अच्छे से हो जाता है, क्यों प्रियांशु नंबर 6 और इधर देखो इधर कुछ ना कुछ पंगा ही चलता रहेगा, कभी कोई केस कर देगा कभी कोई केस कर देगा कभी कोई केस कर देगा। चलो ठीक है दैट्स इट। दिल्ली के लिए क्या क्या बोल रहे सर, दिल्ली में एडमिशन के लिए कितने मार्क्स थे? किस में? नीट में? नीट में, नीट में वही आता 700 के ऊपर कट ऑफ जाता है, अभी इस बार का नहीं पता कितना गया, पिछले साल तो 705 था। सर दिल्ली में एम्स में है वो। हां इस बार कितना है एम्स में? इस बार का नहीं पता सर। एस ओबीसी यदि कैटेगरी है तो ये मान लो तुम 600 प्लस मार्क्स चाहिए दिल्ली मिल जाता सर, टॉप 50 बच्चों का हो जाता। हाँ हो जाता है, और यदि एम्स की बात करें तो 700 से ऊपर जाएगा, 704 705 706 707 इस बार तो 720 में, और इस बार तो 720 में 720 में तो पता नहीं क्या हो, कुछ भी हो सकता है। चलो फिर ठीक है दैट्स इट, ऑल फॉर टुडे, पढ़ाते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट सर। गुड नाइट।